हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं द टॉपिक्स नेम इज एफ ओ बी एफ ओ बी का मीनिंग रहता है फ्री ऑन बोर्ड जिसको हम आसानी से कह सकते हैं कोटेड प्राइस जब एक इंपोर्टर एक्सपोर्टर को अपना ऑर्डर प्लेस करता है तब वो चाहता है कि उसकी प्राइस कितनी होगी मिनिमम प्राइस कितना होगा जो एक्सपोर्टर उससे चार्ज करेगा तो एक्सपोर्टर क्या करता है अपनी एक प्राइस बताता है इम्पोर्टर को और उसे कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड दैट इज एफ ओ बी ये एक ऐसी प्राइस होती है जहां पे जितना भी खर्चा होता है प्रोडक्शन से लेके शिपिंग तक वो सारा खर्चा ऐड किया जाता है और उसके अंदर एक्सपोर्टर अपना प्रॉफिट भी ऐड करता है और अगर सरकार उस एक्सपोर्टर को कुछ इंसेंटिव देती है कुछ बेनिफिट देता है तो वो उसके अंदर से वो माइनस कर देता है इसके लिए एफ ओ बी प्राइस एक फुल फ्लेज प्राइज ना हो के सिर्फ एक कोटेड प्राइस होता है इसके लिए एफ ओ बी का फॉर्मूला भी उस सारे ही चीज़ों को कवर करता है जो सारी चीज़ें एक्सपोर्टर अपने फॉर्मूला में कवर करता है एफ ओ बी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एफ ओ बी प्राइस प्लस ड्रॉबैक बी के डी बी के इंसेंटिव है जो गवर्नमेंट अपने एक्सपोर्टर्स को देता है इसका मतलब ये हुआ एक्सपोर्टर जितना भी फॉरेन करेंसी लेकर आता है उसके ऊपर कुछ परसेंटेज ड्यूटी ड्यूटी ड्रॉबैक के नाम से एक्सपोर्टर के अकाउंट में जमा किए जाते हैं सो दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबीके दैट इज ड्यूटी ड्रॉबैक इक्वल्स टू एफ ओ बी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अगर इसको बारीकी से देखेंगे तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में दो पार्ट्स लेफ्ट हैंड साइड में है और दो एलिमेंट्स राइट हैंड साइड में है एफ ओ बी प्राइस प्लस डीबीके इक्वल्स टू एफ ओ बी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ये फॉर्मूला तभी इस्तेमाल की जाती है जब एक एक्सपोर्टर अपने कॉस्ट के साथ प्रॉफिट चाहता है क्योंकि एफ में कभी कभी एक्सपोर्टर ब्रेक इवन पे भी सेल करता है अगर वो अपनी प्रोडक्ट्स को ब्रेक इवन पे सेल करता है तो वहाँ पे ये जो प्रॉफिट वाला पार्ट है वो नहीं किया जाता वो कवर नहीं किया जाता है तो उस हालत में यहाँ पे फॉर्मूला जो बन जाती है वो फॉर्मूला होती है एफ ओ बी प्राइस प्लस डी बी के इक्वल्स टू एफ ओ बी कॉस्ट सिर्फ एफ ओ बी कॉस्ट ये जो प्रॉफिट वाला एलिमेंट है वो वहां पे काउंट नहीं किया जाता क्योंकि यहां पे जो एक्सपोर्टर है वो अपना कॉस्ट भी कवर करना चाहता है वो अपनी प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट ऐड नहीं करना चाहता ब्रेक इवन पे सेल करना चाहता तो अगर प्रॉफिट ऐड करेगा तो चार एलिमेंट्स आ जाएंगे अगर प्रॉफिट एड नहीं करता है ब्रेक इवन पे सेल करता है तो सिर्फ तीन एलिमेंट्स ही आते हैं। तो फॉर्मूला को एक बार ध्यान से देख लेते हैं एफ ओ बी प्राइस प्लस डीबी ड्रॉबैक इक्वल्स टू एफ ओ बी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अब आपको ये क्वेश्चन प्रॉब्लम के फॉर्म में किस तरह से आएगा ये एक एग्जाम्पल है कैलकुलेट मिनिमम एफ ओ बी प्राइस

रेट ऑफ रुपीज फिफ्टी पर एड कर देता है That means, आपका का cost, cost, आपके सारे टैक्सेस जो भी आपने फैक्ट्री प्रोडक्शन के लिए उठाए हैं वो सारे कहलाते हैं एक्स फैक्ट्री कॉस्ट पैकिंग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ये तीन मेजर कॉस्ट है जो हर एक एक्सपोर्टर पे करता है इसके अलावा भी अगर कोई कॉस्ट है तो एक्सपोर्टर उस कॉस्ट को भी एड करता है उसके बाद एक इंफॉर्मेशन रहती है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एट द रेट ऑफ टेन परसेंट ऑफ एफ कॉस्ट ये जो एफ प्राइस हम कैलकुलेट करने वाले हैं वो एक ऐसे एक्सपोर्टर की है जो अपनी कॉस्ट के ऊपर टेन परसेंट प्रॉफिट अर्न करना चाहता है तो ये जितनी भी उसकी कॉस्ट होगी उस कॉस्ट का 10% वो अपना प्रॉफिट तय करना चाहता है और उसके बाद ड्यूटी ड्रॉबैक इज एट द रेट ऑफ 10% ऑफ एफओबी प्राइस यहाँ पे ये जो एक्सपोर्टर है जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसके ऊपर गवर्नमेंट उसे 10% इंसेंटिव्स भी दे रहा है पर वो किसके ऊपर है एफओबी प्राइस के ऊपर जितनी भी वो प्राइस कोट करेगा उतने ही अमाउंट के ऊपर टेन परसेंट का ड्यूटी ड्रॉबैक उसे मिलेगा अब अगर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें वो चीजें देखनी है जो इस फॉर्मूला के अंदर बताई गई है सो so फॉर्मूला के हिसाब से फॉर्मूला कहता है एफ ओ बी प्राइस प्लस ड्यूटी ड्रॉबैक equals to FOB cost plus profit जितना वो profit चाहता है अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे right hand side के जो दो elements हैं FOB cost and profit ये हम लोग आसानी से calculate कर सकते हैं क्योंकि cost के बारे में भी details सारे हमारे पास available है और profit FOB cost का भी available है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं एफ कॉस्ट एफ कॉस्ट में हमारे पास तीन तरह के एक्सपेंडिचर्स दिया हुआ है एक है एक्स फैक्ट्री कॉस्ट इसका अमाउंट है सेवेंटी फाइव थाउजेंड इसके अंदर हम ऐड करेंगे पैकिंग कॉस्ट पैकिंग कॉस्ट का अमाउंट दिया है क्वेश्चन में फिफ्टीन थाउजेंड और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रुपीज टेन थाउजेंड अब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा टोटल एफओ बी कॉस्ट जो है वो आता है रुपीस वन लैख ठीक है हमारा एफओबी कॉस्ट जो है ये जो राइट हैंड साइड वाला एलिमेंट है एफओ बी कॉस्ट ये हमें मिल गया वन लैख अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की प्रॉफिट के बारे में क्वेश्चन में कहा गया है तो प्रॉफिट इज टेन परसेंटेज ऑफ एफओबी Cost. That is 10 of 1 ,00 ,00. हमारा FOB cost 1 प्रफिट ये दोनों चीजें हमारे पास कैलकुलेट हो गई अब देखते हैं लेफ्ट एंड साइड लेफ्ट में हमारे पास दो एलिमेंट है एक है एफओ बी प्राइस और एक है डीबी के That is duty drawback. अब में देखेंगे तो ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए क्या कहा गया है उसका टेन परसेंटेज और एफ ओ बी प्राइस तो हमारे पास है ही नहीं एफओ बी प्राइस तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं और उसका टेन परसेंटेज होगा डीबी के तो इस हालत में हम क्या करेंगे हम ये अज्यूम करते हैं दैट लेट एफओ बी प्राइज बी एक्स मान के चलते हैं कि एफ ओ बी प्राइज एक्स है तो अगर एफ ओ बी प्राइज एक्स होगा तो ड्यूटी ड्रॉबैक है टेन परसेंटेज ऑफ एफ ओ बी प्राइस ये तो क्वेश्चन में ही दिया है इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूटी ड्रॉबैक जो है वो है टेन परसेंटेज ऑफ एक्स इतना तो आप मानते हो अगर हम ये मान के चलते हैं कि एफ ओ बी प्राइज एक्स है और ड्यूटी ड्रॉबैक है टेन परसेंटेज ऑफ एफ ओ बी प्राइज इसका मतलब ड्यूटी ड्रॉबैक है टेन परसेंटेज ऑफ एक्स एक्स मतलब वन जनरली एक्स मतलब वन होता है इसके लिए हम ये कह सकते हैं दैट डी बी के इक्वल्स टू 10 परसेंटेज ऑफ एक्स व्हिच विल बी इक्वल्स टू 0.1x ठीक है ना 1x 1x का 10 परसेंटेज करेंगे तो 0.1 हो जाता है क्योंकि ये x एलिमेंट लिया है तो हम ये मान के चलेंगे कि ड्यूटी ड्रॉप बैक जो है वो हो जाएगा 0.1x ठीक है तो अब हमारे पास फॉर्मूला में जो ये जो चीजें दी हुई हैं मैं इसको रेक्टेंगल कर देता हूं नो सी दिस इज द फॉर्मूला कुछ भी हाँ एफ ओ बी एंड यहां पर हमारे पास जो राइट हैंड साइड के आर्टिकल्स हैं वो तो सारे अपने पास आ गए हैं लेफ्ट हैंड साइड का हम लोगों ने क्या एज्यूम किया हुआ है एक्स एंड वन जीरो एक्स तो हम लोग क्या कर रहे हैं बाई पुटिंग वैल्यूज इन दमूला फॉर्मूला में पहला आर्टिकल है एफ ओ बी प्राइस उसकी जगह पे हम ले लेते हैं यहाँ पे एक्स इसमें क्या प्लस करेंगे ड्यूटी ड्रॉबैक वो आया है इक्वल्स टू कॉस्ट हमारा आया था लाख प्लस प्रॉफिट हमारा आया टेन थाउजेंड ठीक है तो हमारे पास जो भी वैल्यूज हैं वो सारे हमने इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में डाल दिया एफ ओ बी प्राइस को अज्यूम किया एक्स तो उसकी जगह पे एक्स लिख दिया ड्यूटी ड्रॉबैक हमारा आया जीरो तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया वन लैख वो लिखा और हमारा जो प्रॉफिट है वो टेन थाउजेंड है अब इसको आगे हैं, 1X प्लस .1X का टोटल हो जाता है वन पॉइंट वन एक्स बराबर वन पॉइंट वन एक्स इक्वल्स टू वन लैख टेन थाउजेंड ठीक है ये हमारा वैल्यू हो गया अब हमें कैलकुलेट करनी है एक्स की वैल्यू तो हम क्या करेंगे एक्स को यहीं पे रख के ये जो 1.1 पॉइंट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है ये यह यहां पे हो जाएगा डिवीजन में तो वन लैख टेन थाउजेंड डिवाइडेड बाय 1.1 इसका मतलब ये होगा हमारी एक्स की वैल्यू जो है आ जाती है वन लैख ठीक है और एक्स हमारा क्या है एफ ओ बी प्राइस हम यहाँ पे लिख सकते हैं या एफओबी बी प्राइस इक्वल्स टू रुपीज वन लाख ठीक है हम लोगों ने एफ प्राइस कैलकुलेट कर दिया फ्री ऑन बोर्ड पर यहां पे हमारे पास सवाल में पूछा गया है कि अगर डॉलर का रेट फिफ्टी रुपीज है तो डॉलर में इसका क्या वैल्यू होगा तो हम लोग यहां पे लिखेंगे F एफ ओ बी प्राइस इन डॉलर इक्वल्स टू हमारा जो भी वैल्यू आया है वन लैख इट शुड बी डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ डॉलर दैट इज रुपीज फिफ्टी इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है टू थाउजेंड डॉलर ठीक है ये हमारा फाइनल आंसर आ गया एफ ओ बी डॉलर एफ ओ बी डॉलर इक्वल्स टू टू थाउजेंड डॉलर उसको हम लोगों ने फिफ्टी से डिवाइड कर लिया ठीक है तो ये हो जाती है कैलकुलेशन ऑफ एफ ओ बी कैलकुलेशन ऑफ एफ ओ बी प्राइस एफ ओ बी प्राइस एक ऐसी प्राइस होती है जो सिर्फ कोट की जाती है क्योंकि कई बार क्या होता है अगर एक्सपोर्टर ने चीजें यहाँ से रवाना कर दिया हो सकता है बीच में वो शिप डूब जाएगा चोरी हो जाएगा तो उसका वैल्यू कितनी बनानी चाहिए क्योंकि सेल तो अभी तक हुआ नहीं है ना तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए वो होती है मिनिमम एफओबी प्राइस तो ये एक तरह का इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म है कई तरह के इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स है तो सभी कंट्रीज में ये जो एफओबी प्राइस है काफी पॉपुलर है और ये एक मोस्ट पॉपुलर मेथड रहता है अपना प्राइस को कोट करने के लिए तो का फुल फॉर्म है फ्री ऑन बोर्ड आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया है सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट एंड कमेंट में आप लिख सकते हो अगर आपको किसी और बात की और जानकारी चाहिए थैंक यू